होटल मॉल पटना के कौटिल्य हॉल में डॉक्टर एस एन श्राफ की अध्यक्षता और डॉक्टर मधुसूदन कुमार के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें 4 अगस्त को हड्डी और जोड़ दिवस मनाने की योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस बार इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने टीम के रूप में खुद को बचाओ दूसरों को भी बचाओ लक्ष्य निर्धारित किया है। जैसा कि सबको पता है, ज्यादातर मौतें सड़क दुर्घटनाओं में होती है। 18 से 45 वर्ष की आयु के युवा वयस्क खासतौर पर पुरुष ज्यादातर सड़क दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। इसमें से अधिकांश मौतें दुर्घटना के पहले घंटे में प्राथमिक चिकित्सा और उचित देखभाल न होने के कारण होती है। दुर्घटना के तुरंत बाद उचित प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर इन अनमोल जिंदगियों को बचाया जा सकता है। इसी संबंध में इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने 1 से 7 अगस्त तक हड्डी और जोड़ सप्ताह मनाते हुए 4 अगस्त को 10,000 छात्रों, पुलिसकर्मियों और आम आदमी को प्रशिक्षण देने का फैसला किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने उत्साहपूर्वक भाग लेने का निर्णय लिया है।